हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ एडो फिर से चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो होगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लास 10 का ये टॉपिक है जिसमें हम लोग बेसिकली बेसिक बात करेंगे, जो आपको बेसिक लेवल का है तो होगा ही, थोड़ा सा मैं आपको एडवांस करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, जिससे कि आपको और भी जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं जैसे NTSC वगैरह होता है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा इससे। ओके, तो चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का। इसके पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था न्यूरॉन के टाइप का, तो ऑन द बेसिस ऑफ पहले माइलिन सीथ के हिसाब से बात कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पैकेजिंग है ना, पैकेजिंग के हिसाब से हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप का न्यूरॉन था, एक था क्या मेडुलेटेड और एक था नॉन मेडुलेटेड, याद होगा आपको। तो मेडुलेटेड के बारे में मैंने क्या बताया था कि माइलिन सिथ जो था इसमें, माइलिन सिथ जो था इसमें क्या था, प्रेजेंट था, और इसमें क्या था, एब्सेंट था, है ना। साथ में मैंने माइलिन सिथ के बारे में क्या बताया था कि बेसिकली ये प्रोटीन और फैट का कंपोजिशन होता है। ये एक्चुअली में क्या होता है, प्रोटीन और फैट का कंपोजिशन होता है जो एक्सोप्लाज्म के ऊपर में पाया जाता है, एक सिथ, है ना। तो अगर ये प्रेजेंट है तो मेडुलेटेड, नहीं प्रेजेंट है तो नॉन मेडुलेटेड। और मैंने और क्या बताया था कि मेडुलेटेड नर्व जो होता है ना, यही क्या करता है, फॉर्म्ड वाइट मैटर, है ना, ये वाइट मैटर बनाता है आपके नर्वस सिस्टम का, और ये क्या था, ग्रे मैटर बनाता था, ये क्या बनाता था, ग्रे मैटर का सिंथेसिस करता था या ग्रे मैटर का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली ग्रे मैटर इसी का बना हुआ होता है, नॉन मेडुलेटेड नर्व का। और मैंने एक बात बताया था इसके बारे में कि इसका जो कंडक्शन पावर है वो थोड़ा हाइयर होता है, हाई एफिशिएंसी ऑफ कंडक्शन, इसमें कंडक्शन की एफिशिएंसी थोड़ी हाई होती है, और इसमें क्या होता है, कंपैरेटिवली लो होता है, इसमें कंडक्शन की एफिशिएंसी कंपैरेटिवली लो होती है। ये हमने बात किया था किसके बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ पैकेजिंग के बारे में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बारे में, बात कर लेते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर आप देखोगे तो आपका जो न्यूरॉन होगा ना, या नर्वस सिस्टम जो होगा, या नर्व्स जो होगा, वो तीन टाइप का बताया गया है, थ्री बेसिक पार्ट्स है उसमें, या थ्री बेसिक कंपोनेंट्स है उसके। एक को हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एक को बोलते हैं मोटोर न्यूरॉन, और एक को बोलते हैं इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन। देखिए तीन बेसिक टाइप है, सेंसरी, मोटोर और इंटरकनेक्टेड। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये एफरेंट न्यूरॉन है। क्या है ये, एफरेंट है, और इसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट, है ना। और ये तो इंटरकनेक्टेड है, मेडुलेटरी इंटरकनेक्टेड होता है। ओके, अब देखो सेंसरी और एफरेंट का जो फंक्शन है ना वो कुछ अलग होता है। इसका पर्पस क्या होता है कि रिसेप्टर्स जो होते हैं वहां से ये सेंस ऑर्गन तक लेके जाता है मैसेज को, स्टिमुलाई को, कह सकते हैं कैरी स्टिमुलाई फ्रॉम रिसेप्टर, फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स कितने हैं आपको याद होगा, 5 सेंस ऑर्गन्स बताए गए हैं, जैसे आपका नोज हो गया, आपका टंग हो गया, आपका ईयर हो गया, आपका आई हो गया, आपका स्किन हो गया, तो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, वहां तक इस मैसेज को लेके चलता है। ठीक, ओके, तो अच्छा सेंस ऑर्गन्स में हमारा ये भी आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक,
अब बात करते हैं मोटोर का। तो मोटोर का काम क्या है कि एक्चुअली में सेंस ऑर्गन जो मैसेज देता है ना, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेज देता है, उस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मैसेज को बॉडी के उस पार्ट तक लेके जाता है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कैरी रिस्पॉन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज ग्लैंड्स हो गया, आपका मसल्स हो गया, किसी कर देता हूं मैं, तो ग्लैंड्स हो गया, मसल्स हो गया। जैसे मान लीजिए कि फूड आपने लिया, या फिर मान लो अगल बगल आपके सराउंडिंग्स में क्या हुआ कि कोई अच्छी क्वालिटी का फूड बन रहा है, फूड का अच्छा मतलब फ्लेवर अच्छा आ रहा है, तो फ्लेवर अच्छा रहा है तो क्या होगा, रिसेप्टर्स जो होगा ना, मतलब कि आपके नेजल हिस्से में जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो रिसेप्टर है, वो रिसीव करेगा मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ केमो रिसेप्टर, केमिकल के टर्म में रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद उस मैसेज को किसको लेके जाएगा, आपके ब्रेन के पास चला गया। तो देखो एक्चुअली में ये मैसेज को ले जाने का काम कौन कर रहा है, एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन। और जब ब्रेन के पास ये मैसेज जाएगा तो ब्रेन जो होगा स्टिमुलेट होगा, ब्रेन का जो ऑर्डर होगा, ब्रेन का जो रिस्पॉन्स होगा वो किसको मिलेगा, तो आपके सेलिब्री ग्लैंड को मिलेगा। तो ब्रेन से जो मैसेज सेलिब्री ग्लैंड के पास आया ना, उस मैसेज को लाने का काम कौन कर रहा है, मोटर। ये है मोटर का काम, मतलब ये मैसेज को ले जाता है सीएनएस के पास, और ये सीएनएस के जो मैसेज होते हैं ना, सीएनएस का जो रिस्पॉन्स होता है उसको लेके जाता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के पास कि व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज गिवन टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुलाई, उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई के अगेंस्ट या उसके टूबार्ड्स जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है ग्लैंड को या मसल्स को, उसको ये रेगुलेट करेगा। ओके, और इंटरकनेक्टेड क्या होगा भाई, तो ये कनेक्ट करेगा, नाम से पता चल रहा है कनेक्ट सेंसरी एंड मोटोर, ये सेंसरी और मोटोर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करता है, यही काम है जिसका, इंटरकनेक्टेड का, ठीक। ओके, तो आप समझ गए तीनों का पर्पस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अगला हम लोग और देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग देख सकते हैं क्या, तो प्रोजेक्शंस के हिसाब से, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शंस, है ना, प्रोजेक्शंस ऑफ सेल बॉडी। ओके, तो प्रोजेक्शन के हिसाब से आप देखिएगा तो देखिए आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा ए पोलर, न्यूरॉन का टाइप है ए पोलर, एक हो जाएगा यूनिपोलर, एक हो जाएगा बाईपोलर, और एक हो जाएगा मल्टीपोलर। देखिए ये सब टाइप है। ओके, तो ए पोलर देखो एक्चुअली में इसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोन मिलेगा, देयर आर नो एनी एक्सॉन एंड नो एनी डेंड्राइट, ओनली साइटोन, नो एनी प्रोजेक्शन, कोई प्रोजेक्शन आपको नहीं मिलने जा रहा है, कोई प्रोजेक्शन नहीं मिलने जा रहा है, उसको बोलते हैं ए पोलर, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं यूनिपोलर का, है ना। तो यूनिपोलर क्या होता है कि यूनिपोलर जो कि स्पेशली सिंगल होगा, मतलब कि एक एक ही इस टाइप का प्रोजेक्शन निकला हुआ होगा, यूनिपोलर, ठीक ना, मतलब ये हो गया साइटोन और ये हो गया एक्सॉन, यूनिपोलर, ठीक ना। तो यूनिपोलर जनरली पाया जाता है एम्ब्रियो में, कॉमनली ये एम्ब्रियो में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। और ये प्रीवियस जो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें पाया जाता है ये, ठीक, बहुत कम देखा गया है। ओके, अब बाईपोलर की बात करते हैं, बाईपोलर में क्या हो जाएगा, टू प्रोजेक्शन, जैसे मान लीजिए ये आप पे साइटोन, देखिए इसमें इस तरह से दो प्रोजेक्शन ऐसे निकले हुए होंगे, ये साइटोन है, प्रोजेक्शन दोनों तरफ है, तो इसको बोलते हैं बाईपोलर। और ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, टंग में मिलेगा, टंग में मिलेगा आपको, आपको रेटिना में मिलेगा, आपको ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम में मिलेगा,
ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में मिलेगा, ओके ईटीसी कर देता हूँ मैं, ये सब जोन में पाया जाता है बाइपोलर। और मल्टीपोलर सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, ये हम लोग जो पढ़ रहे थे वो मल्टीपोलर ही था, मोस्ट कॉमन था, मतलब कि ये अगर साइटॉन है तो साइटॉन से बहुत सारे प्रोजेक्शन इस तरह से ऐसे निकले रहेंगे, इस तरह से ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्शन निकले रहेंगे इस तरह से, ओके तो इसको बोलते हैं मल्टीपोलर। और ये पाया जाता है आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में पाया जाता है मल्टीपोलर, ओके तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस के हिसाब से वेरियस टाइप्स के हो गए हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स के अलावा कुछ और भी सेल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सारे चीज़ों के लिए। जैसे आप पढ़िएगा टर्म, कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे एक टर्म है गैंग्लियॉन। देखो गैंग्लियॉन क्या होता है, एक्चुअली में कॉम्पैक्ट मास ऑफ नर्व सेल होता है, जो नर्व सेल का बॉडीज होता है ना, ये क्या होता है कॉम्पैक्ट मास ऑफ नर्व सेल बॉडीज, है ना, इसी को बोलते हैं गैंग्लियॉन, ठीक ना। जब आप इवोल्यूशनरी सिस्टम को देखोगे तो देखिएगा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें गैंग्लियॉन पाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे नर्व्स एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं, उसके सेल बॉडीज एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं, उसको बोलते हैं गैंग्लियॉन, ठीक ना। और ये गैंग्लियॉन जो आप देख रहे हो ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर मैसेज को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। जनरली ये क्या, अगर मान लीजिए हायर बॉडीज में देखिएगा, जैसे हम लोगों में देखिएगा तो ब्रेन वगैरह के ऊपर में पाया जाता है, आउटर सरफेस ऑफ ब्रेन, है ना, ब्रेन के आउटर सरफेस में जनरली आपको गैंग्लियॉन्स मिलते हैं, ठीक। इसके अलावा और क्या होता है, तो इसके अलावा होता है न्यूरोग्लियल सेल्स, इसके बारे में भी बता देता हूं आपको क्या होता है न्यूरोग्लियल सेल्स। देखो न्यूरोग्लियल सेल्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसका ओरिजिन जो है ना वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। आपको याद होगा नर्व्स का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स जो होता है ये एक्चुअली में कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये क्या है, अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, और इसका ऑरिजिन क्या होगा, जब कनेक्टिव टिश्यू है तो इसका ऑरिजिन क्या होगा, मेसोडर्मल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हायर क्लासेस में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि न्यूरोग्लियल सेल जो होता है उसका ऑरिजिन क्या होता है, तो न्यूरोग्लियल सेल जो होता है उसका ऑरिजिन कैसा होता है, मेसोडर्मल, ओके। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके अलग अलग क्या टाइप है, बेसिक टाइप क्या है, जैसे मैंने बताया आपको किसके बारे में, तो माइलिन सिथ के हिसाब से बताया मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड, फिर मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज नॉन पोलर, ए पोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, ओके। तीसरा मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फंक्शन के हिसाब से, तो जैसे सेंसरी था, मोटोर था, और इंटरमीडिएट था, या फिर इंटरकनेक्टेड था, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हिसाब से। तो नर्वस सिस्टम जो आप पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसका क्या टाइप है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो एक होता है CNS, एक होता है PNS, और एक होता है ANS। बेसिकली आप तीन पार्ट में बांट सकते हो, CNS क्या हो गया, NS हो गया नर्वस सिस्टम, और CNS की फॉर क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहीं पे P जो हो जाएगा इसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए तीन बेसिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे बॉडी का मेन नर्वस सिस्टम होता है, बेसिक जो होता है ना, सबसे चीफ नर्वस सिस्टम होता है, और इसमें आपके आ जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वहीं पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड होता है और उसको हेल्प करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितने भी नर्व्स निकलते हैं ना, दैट्स आर कंसिडर्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम लोग कह सकते हैं नर्व्स एराइजेस फ्रॉम सीएनएस से जो नर्व्स एराइज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और अगर ये ब्रेन से एराइज होगा तो उसको बोलेंगे क्रैनियल, और अगर ये स्पाइनल कॉर्ड से एराइज होगा तो बोलेंगे स्पाइनल। दो इसका कंडीशन है, एक हो जाएगा क्रैनियल नर्व और एक हो जाएगा स्पाइनल नर्व। देखिए दो नर्व्स बोला जाता है, क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व्स, है ना। क्रैनियल नर्व्स कहां से एराइज होगा? फ्रॉम ब्रेन, है ना। और ये कहां से एराइज होगा? फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ये ब्रेन से एराइज होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड से एराइज होता है। ओके, जनरल में देखिएगा तो ये 12 पेयर होता है और ये 31 पेयर होता है। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ये होता है 12 पेयर, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, और ये होता है 31 पेयर। ठीक, आइए क्लासेस में आप इसका डिटेल पढ़ोगे। तो बस आप ये जान लो कि ब्रेन से जो नर्व निकलता है उसकी संख्या है 12 पेयर्स, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है उसकी संख्या है 31 पेयर्स। ओके, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देखते हैं। तो ये सेल्फ रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है? ये सेल्फ रेगुलेटेड, है ना। और इसमें आप देखिएगा तो फिर इसका कैटेगराइजेशन किया गया है। जैसे इसी में आपको आ जाएगा सिंपैथेटिक और एक आ जाएगा पारासिंपैथेटिक। देखिए ये दो कैटेगराइजेशन इसमें किया गया है। हम लोग इसके बारे में कुछ डिटेल कर लेंगे, ये तो हम लोग को पढ़ना ही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देखिए आपका सिलेबस बेसिकली ये है और थोड़ा बहुत ये है, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, मेन रूप से आपका सिलेबस ये है। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे उससे रिलेटेड। ओके, तो ये हमारा हो गया वेरियस टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पेशली न्यूरल कोऑर्डिनेशन के लिए। ओके, तो इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा किससे रिलेटेड, तो हम लोग बात करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बात। लेकिन उसके पहले एक और चीज़ मैं बता दूंगा आपको, दैट इज सिनैप्स, क्योंकि ये जंक्शन होता है न्यूरॉन्स के बीच का, तो हम लोग अगला वीडियो उसी पर बात कर लेंगे, दैट इज सिनैप्स। तो इस तरह से ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। आप वीडियो को बार बार पॉज करके ये सारे टॉपिक को रिटेन लिख सकते हो, आप नोट्स बना लीजिए इसका, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए, इससे आपको क्या होगा कि सारे टॉपिक को प्रॉपर क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। ओके, तो इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आपका एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।